हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी व्लॉग्स। आज मैं आई हूँ नाला सुपारा मार्केट और मुझे कुछ डिनर सेट लेना था क्योंकि एक जगह जाना है तो उन्हें गिफ्ट करना है। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं मार्केट में जा रही हूँ तो आप लोग से भी शेयर करूँगी कि नाला सुपारा का मार्केट कैसा है। अभी आज संडे है और शायद दिन का 12 बज रहा है अभी, तो मार्केट अभी लग गई, आधी लग चुकी, आधी बाकी है। और जो मैं डिनर सेट लेने वाली हूँ वो भी आपको बताऊँगी और यहाँ का मार्केट भी बताऊँगी। ये मैं ईस्ट में हूँ, ईस्ट में स्टेशन के पास ही मार्केट लगता है, तो स्टेशन के पास ही आई हूँ और अब जा रही हूँ मार्केट के अंदर ही। थोड़ा बहुत सा जो स्ट्रीट मार्केट जो रोड पे लगता है वो सब तो लग गया है, देखिए आप देख रहे हैं पीछे। और मुझे कुछ अपने लिए मेकअप का सामान लेना था तो मैं मेकअप का भी सामान यहाँ से ही लूँगी और अभी आगे जा ही रही हूँ, देखते आगे जो भी दिखेगा आपको बताऊँगी। मुझे ना अच्छा लगता है कि मैं जब कहीं जाती हूँ और कोई चीज़ देखते तो मैं चाहती कि आप लोग भी देखें मेरे साथ में, इसलिए मैं आज का ये व्लॉग भी बना रही हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत प्यास भी लग रही है। नाला सुपारा में जो लेडीज़ लोग का जो कपड़ा होता है जैसे कि नो लहंगा साड़ी ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकती है और रिजनेबल प्राइस में होती है, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। मुझे तो डिनर सेट लेना है, आज डिनर सेट लूँगी तो देखती हूँ कहाँ मिलेगा। ये जो लाइन में जा रही हूँ तो सिर्फ कपड़े की लाइन है, डिनर सेट अभी तो दिखाई नहीं है मुझे कहीं पे। और अब देखते हैं कहाँ मिलता है। देखिए मार्केट लग रही है रोड पे, ये यहाँ पे शूज लगे हुए हैं। कह रहा हूँ तुमको काम करने का पैसा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे साड़ी रिजनेबल है, साड़ी रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी। बहुत गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रहा है क्या बताऊँ। देखिए पीछे शूज लिया था, बहुत अच्छे थे और वो 150 में मिल रहा था, बहुत कम प्राइस है उसकी। अब मैं स्टेशन पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत लगा है। अब मैं थोड़ा यहाँ वेट करूँगी, थोड़ा सा चाय वाय पी के फिर उसके बाद में आगे देखती हूँ। यहाँ पे तो सब भाजी मार्केट लगा हुआ है, यहाँ से कपड़े का मार्केट ख़त्म हो गया और यहाँ से भाजी मार्केट है। यहाँ पे भाजी बहुत सस्ती मिलती है नाला सुपारा स्टेशन पे। बॉम्बे में सबसे ज़्यादा सस्ती भाजी अगर आपको चाहिए तो आ जाइए नाला सुपारा स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ पे जितना सस्ता भाजी मिलता है उतना सस्ता सबसे ज़्यादा भाजी मिलता है और कहीं नहीं मिलता। आप देख ही रहेंगे यहाँ पे सब लगा हुआ है। मैं आ गई हूँ स्टेशन पे, जस्ट अभी स्टेशन पे ही हूँ और ये देखिए मार्केट। यहाँ का एक मैंगो जूस बहुत फेमस है तो मैं वो भी पीऊँगी और आपको बताऊँगी। जो मैं बहुत दिन से बचपन से ही वो मैंगो जूस पीते आ रही हूँ और वो जो मैंगो का शॉप है वो हमेशा ऑन होता है, साल के 12 महीना कभी बंद ही नहीं होता है, चाहे मैंगो का सीज़न हो चाहे ना हो। तो मैं वहीं पे जाऊंगी क्योंकि मुझे वैसे ही जाना है, तो मैं नाला सुपारा स्टेशन पे हूँ। और यहाँ पे कुछ सजा हुआ है, शायद किसी की शादी है। जी जस्ट ये स्टेशन पे पहुँची हूँ और काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है स्टेशन पे, शायद किसी महाराष्ट्र शादी है। और यहाँ पे दूल्हे लोग का कपड़ा भी लगा हुआ है, लाइन से दूल्हे खड़े हुए हैं, अगर किसी को दूल्हा चाहिए तो यहाँ से ले सकते एक दो।
स्टेशन के पास ही अंदर जस्ट मार्केट है। जस्ट मैं बाहर आ चुकी हूँ, अंदर से बाहर आ चुके हैं। जस्ट देखते हैं हम कहाँ पे जा रहे हैं। स्टेशन के जस्ट बाजू में एक चाइनीज होटल है, मैं वहीं खाना खाने बैठी हूँ। मैंने ऑर्डर किया है नूडल्स और ये देखिए। जब आता है तो आपको बताती हूँ। होटल से निकल चुकी हूँ मैं, अब जा रही हूँ मार्केट की तरफ। होटल से खाना खा लिया, अब मुझे थोड़ा सा आराम आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है, तो बता। ये मैं आ गई हूँ मार्केट में, एकदम मेन मार्केट जहाँ पे मुझे डिनर सेट लेना है। और यहाँ देखिए ये मैंगो आ चुका है, बॉम्बे में सबसे बेस्ट मैंगो बॉम्बे का होता है। और अब मैं लेना है मुझे डिनर सेट, तो मैं अब ये सीधा सीधा जा रही हूँ। और काफ़ी गर्मी है, हालत ख़राब हो चुकी है गर्मी से मेरी। और अब एक लास्ट मेरा ये शॉपिंग करना बाकी है, इसके बाद एक शॉप दिख रही है ये देखिए, इसमें जाके देखती हूँ क्या है, क्योंकि डिनर सेट मुझे लगता है इसमें मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या है, जो लूँगी आपको मैं बताऊँगी, इसके अंदर जैसा भी जो सामान रहेगा बताती हूँ आपको, पहले मैं देख लूँ क्या है। डिनर सेट तो नहीं पसंद आया मुझे, बता रहे हैं मशीन पसंद आई है, मशीन वाली तो ठीक है, अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आई है, इसलिए मैं ये जूस की मशीन नहीं लूँगी, मुझे तो डिनर सेट लेना है। देखते हैं कौन सा दिखाएंगे। मैंने नाला सिपारा से लिया है, नाला सिपारा स्टेशन के जस्ट बाजू में ये शॉप है। शॉप क्या है आपका नाम? है शॉप का शॉप का नाम है जे एम बे। आप लोग भी इनके शॉप से लीजिएगा, डिस्काउंट भी है थोड़ा सा। जे एम बे ना ऑफिस पे आ चुकी हूँ, यही है मेरा छोटा सा ऑफिस। मेरा ऑफिस है ये छोटा सा, और ये मेरा रेड फॉरेस्ट का पोस्टर है, लेकिन ये निकल चुका है तो इसको दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए मेरा रेड फॉरेस्ट का एक्चुअली पोस्टर है, बट किसी ने निकाल दिया, क्योंकि आज कितने दिन के बाद मैं ऑफिस में आई हूँ। नहीं, हम लोग खाना बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, और जहाँ से मेकअप ख़रीदा था मैंने वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इतना उसमें रश था और बहुत गर्मी भी हो रही थी। तो मैं अपने ऑफिस पे आ गई, तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था मेकअप का सामान। एक ये आई शेडो लिया था, और एक बेस लिया था, क्योंकि मुझे शादी में जाना है तो इसलिए मैंने ये सब खरीदा है। और ये दो नेल पॉलिश है, ये भी एक नेल पॉलिश लिया है, और एक लिपस्टिक लिया था ये वाइन कलर,
और दो लाइनर और एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट लिया है और एक ब्लश ऑन लिया हुआ है और एक कंसीलर। इतना सब कुछ मैंने खरीदा है और वहाँ इसलिए मैं सोच आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी इसलिए मैं नहीं बता पाई तो अब मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और भी मैंने लिया था आपको, मैं बोली थी कि डिनर सेट, मैंने आपको बताया था कि मैं डिनर सेट लूँगी तो मैंने ले लिया है। ये लिया है कुछ, ये ट्रे है एक और सब तो पैक किया हुआ है, अभी मैं ओपन तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको दिखा देती हूँ कैसा है। तो ये 6 प्लेट है इसके अंदर और 2 स्पून है, बाकी का तो आप लोग इसके अंदर पूरा है सब कुछ है।